हम लोग आज खिजड़िया बर्ड सेंचुरी पार्ट टू में जा रहे हैं। आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो पार्ट वन है और सीधा जो जाएगा वो पार्ट टू की ओर जाएगा। तो चलिए पार्ट टू की ओर चलते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने बर्ड्स के फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं, तो ये वीडियो आप पूरी देखने का, आपको 100% मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करने का, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का। अब हम पहुंच चुके हैं खिजड़िया बर्ड सेंचुरी का पार्ट टू के गेट के ऊपर। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके तुम काबिल हो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, आपको मैंने पहले एक खिजड़िया पार्ट वन का वीडियो दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आई बटन पे आप देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अभी ये जो प्लेस है वो खिजड़िया पार्ट टू है। आज हम पार्ट टू में आए हैं और मेरे साथ मेरे मित्र भी आए हुए हैं, मुनाब भाई है और दुर्गेश भाई भी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो ये पार्ट टू में बर्ड्स है, सब जगह पे आपको दिखने मिलेंगे बर्ड्स। यहाँ का भी एटमॉस्फेयर इतना बेस्ट है, तो आप देख सकते हो बर्ड्स, नदी में पूरा बर्ड्स आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको गाड़ी अलाउड है, आप गाड़ी लेके अंदर आ सकते हो। आपको कभी भी आने का हो तो पार्ट टू में आपको गाड़ी लेके आने का, गाड़ी में आपको मज़ा आएगा। और सुबह आ जाने का, सुबह आपको 7 बजे इधर टच हो जाने का, क्योंकि यहाँ सुबह में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। मैंने देखा है पार्ट वन से अच्छा पार्ट टू के अंदर बहुत बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या क्या है। और मेरे साथ मैन है मुनाब भाई और दुर्गेश भाई। हेलो दोस्तों, तो आप है ना इसमें फैमिली के साथ भी आ सकते हो, टू व्हील फोर व्हील दोनों अलाउ है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो दोस्तों भूलिएगा मत, एक बार आप आओ, आपके दोस्तों को भी बुलाओ, जिसको जिसको पता नहीं उसको आप भेजो, ये शेयर करो, शेयर लाइक कमेंट्स करो, तो आप दिखाओ अपने दोस्तों। और दूसरा आपको गाड़ी है ना यहाँ पे, आपको 500 रुपया गाड़ी का है, लेकिन आपको इसके साथ 6 लोगों का फ्री है। तो आप गाड़ी का टिकट के साथ आप 6 लोगों फ्री, 6 लोग फ्री है। चलिए टावर की ओर चलते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है वो टावर है, उसके ऊपर से हम व्यू देखेंगे।
चलिए हम पहुंच चुके हैं टावर के पास। यहाँ पे एक टावर बना हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जाके भी, हम ऊपर भी जाएंगे। उसके पहले मैं आपको, चलिए एक मैं आपको इंजीनियर की एक कमाल दिखाता हूँ। मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये सीढ़ी देख सकते हो, देखिए ये इंजीनियर ने, कौन सा इंजीनियर ने ये डिजाइन बनाया है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से दरवाजा खुलता ही नहीं है, देखिए, देखा आपने। अब यहाँ से आप ऊपर कैसे जा सकते हो, कि कौन सा इंजीनियर था वो पता नहीं, लेकिन है जबर का इंजीनियर। तो चलिए दोस्तों अब ऊपर भी जाते हैं, ऊपर की ओर से पूरा व्यू देखते हैं। यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। ये साइड आते हो, अगर आप अहमदाबाद से, राजकोट से कभी भी आप आते हो, जामनगर आएगा उसके पहले 8-10 किलोमीटर खिजड़िया का पार्टी आएगा। वहाँ से आपको सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर ही ये खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है। तो आप कभी भी आइए तो सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच जाने का, आप 10-11 बजे आराम से फ्री हो सकते हो। आप इसको स्पेशल विजिट नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप बीच में से इसको आप ले सकते हो। आप कभी भी द्वारका जाते हो तो आपको ये प्लेस को ले लेगा साथ में। इतना बेस्ट प्लेस है कि आपको बहुत मजा आएगा। इतना बर्ड्स है यहाँ पे, तो आप कभी भी इधर आइए तो जरूर आने का, ये विजिट करना ही चाहिए आपको। टावर की ऊपर से आपको मैं चारों ओर का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ का वातावरण इतना पीसफुल है, इतना शांत है, सिर्फ चिड़ियों का आवाज़ आ रहा है और कुछ नहीं है। और यहाँ से आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी बेस्ट कर सकते हो। जो पानी में वो दिखता है, एक्चुअली इसका नाम मुझे पता नहीं, हमारे गुजराती में इसको रोज बोलते हैं, वो भी पानी में बैठा हुआ है। इस चिड़ियों को क्या पता हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए, फिर भी वही उम्मीद से वो हमारे पास आए। बर्ड सेंचुरी की गाइडलाइन के हिसाब से इस चिड़ियों को जो उसका खुराक है वो लेके जरूर आने का। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। मेरी वीडियो के एंड में मैंने बर्ड्स के फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखने का। जब भी आप आओगे तो आपको पता चलेगा कौन सा बर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करने का, आपका कोई सुझाव हो तो भी मेरे को बताने का। धन्यवाद।
ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आप हाईवे के ऊपर आओगे तो सामने ही आपको गाठिया मिल जाएगा, तो आप नाश्ता कर सकते हो, हम लोग भी कर रहे हैं। तो चलिए फोटोग्राफ्स देखते हैं।